हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट कॉन्सेप्ट। सो कल जो हम लोग माई 11 क्वेश्चन देख रहे थे ऑन इंडक्शन सिंक्रोनस एंड स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन पार्ट 3, ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। अगर हम 4 की बात करें, ठीक है, तो 4 में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है, ये टॉर्क होता है, ठीक है, जनरल टॉर्क होता है, कोई भी टॉर्क है। तो दिस इज़ नॉट अ स्टार्टिंग टॉर्क, दिस इज़ द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये करेक्शन कर लेना है सभी को, ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम है। दिस इज़ नॉट अ स्टार्टिंग टॉर्क, ओके। तो टॉर्क को मैक्सिमाइज करने के लिए थीटा टू की वैल्यू को स्मॉल होनी चाहिए, और थीटा टू तभी स्मॉल होगा जब लीकेज रिएक्टेंस स्मॉल होगा, और लीकेज रिएक्टेंस को स्मॉल तभी किया जा सकता है जब एयर गैप को हम लोग स्मॉल रखें। सो स्मॉल एयर गैप इज़ प्रिफर्ड इन केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ओके। तो और यहाँ पर जो है ना, जो मैक्सिमम पावर के बारे में पूछ रहा था, जो रीजन में है, यहाँ पे जो रीजन लिखा हुआ है, स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज रिएक्टेंस विल इंक्रीज द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ मोटर। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है कि मैक्सिमम पावर के बारे में पूछ रहा था, तो मैक्सिमम पावर भी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/x2 लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। तो लीकेज रिएक्टेंस को अगर हम लोग, रीजन में क्या रखा है कि अगर लीकेज रिएक्टेंस को अगर हम लोग कम करेंगे तो ये मैक्सिमम पावर आउटपुट को बढ़ाएगा, यस। अगर इसको कम रखोगे तो मैक्सिमम पावर आउटपुट हमारा बढ़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ठीक है। तो इतना सा करेक्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, तो यहाँ पर ये तो सही है, लेकिन जब हम यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे थे, जब हम अपेरेंट पावर निकाले थे और फाइनली पी डेवलप्ड एंड क्यू डेवलप्ड निकाले थे, और जब डेरिवेटिव ले रहे थे पी डेवलप्ड का विथ रिस्पेक्ट टू डी डेल्टा, तो यहाँ पर गौर करो, जब डेरिवेटिव लोगे तो EFVT/ZS ये तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा माइनस डेल्टा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा एस माइनस डेल्टा, और चूंकि हम डी डेल्टा के साथ कर रहे हैं तो थीटा एस के साथ तो 0 हो जाएगा, और डी डेल्टा के साथ तो -1 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस साइन है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू डी डेल्टा कर रहे हैं ना डेरिवेटिव। तो थीटा एस माइनस डेल्टा के साथ करोगे तो माइनस साइन थीटा एस माइनस डेल्टा आएगा, और फिर थीटा एस माइनस डेल्टा करोगे तो थीटा एस तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और डेल्टा का -1 हो जाएगा। तो ये पहले से माइनस प्रेजेंट है, क्योंकि कॉस का डेरेवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली फाइनली जो इक्वेशन है, फाइनली जो इक्वेशन है हमारी, वो बन जाएगी EFVT बाई जेड एस, और ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमने कंसिडर कर लिया था माइनस, ठीक है, तो माइनस कंसिडर नहीं करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली यही इक्वेशन बनेगा, दैट इज थीटा एस माइनस डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फिर हम लोग सही कर रहे थे, फिर क्यू डेवलप्ड नेगेटिव आ गया था, ठीक है। अगर ये वाला कंडीशन को हम लोग अचीव करते हैं, दैट इज जब इसको डेरिवेटिव 0 करोगे, तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन आ जाएगी सर, दैट इज थीटा एस बराबर डेल्टा आ जाएगा, थीटा एस बराबर डेल्टा आ जाएगा। तो ये वाला कंडीशन कभी हम लोग अचीव नहीं करते, अगर ये अचीव करोगे तो रिएक्टिव पावर जो है, रिएक्टिव डेवलप्ड पावर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बट फॉर अ स्टेबल ऑपरेशन, फॉर अ स्टेबल ऑपरेशन, फॉर अ स्टेबल ऑपरेशन क्या होता है कि इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन पी डेवलप का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू डी डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका ये मतलब है, अगर इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ये मतलब होगा कि थीटा एस कहीं ना कहीं डेल्टा से बड़ा होगा, थीटा एस वो डेल्टा से बड़ा होगा, ठीक है। थीटा एस जो है वो डेल्टा से बड़ा होगा, या ये कहो कि डेल्टा जो है वो थीटा एस से छोटा होगा। आमतौर पर थीटा एस एक एक्यूट एंगल है, 0 से 90 डिग्री लाई करेगी, तो थीटा एस अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर 70 डिग्री लेते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पर कहीं ना कहीं 70 से कम होनी चाहिए। 70 से कम का मतलब कोई सा भी ले लो, जैसे 60 डिग्री ले लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या तो चल रहा है कि सर जो डेल्टा है वो थीटा एस से छोटा है, तो डेल्टा है वो थीटा एस से छोटा है फॉर स्टेबल ऑपरेशन, इसीलिए जो डेल्टा की वैल्यू है वो थीटा एस से छोटी होनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए फॉर स्टेबल ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो आंसर है वो सही है। तो इतना सा करेक्शन था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, ये तुम्हें करेक्शन जो है कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो चुका है, ठीक है। चलो, तो इतना सा करेक्शन हमें करना था, बाकी क्वेश्चन नंबर 6 सही है, 7 भी सही है, 8 भी सही है, 9 भी सही है, 10 भी सही है, ठीक
ठीक है, और 11 भी सही है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सही हैं। चलो ठीक है, तो इतना सारा था रेक्टिफिकेशन के, नीट थी, तो रेक्टिफाई हमने कर लिया। थैंक यू वेरी मच।